हेलो दोस्तों, वेलकम भाई बाइक्रम जी के। दोस्तों एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो अभी तक मैंने पूरी अपने चैनल पर नहीं डाला, ना ही किसी ने और ने डाला होगा कि TVS के रेडियान और TVS स्टार सिटी प्लस दोनों का लाइव कंपैरिजन, वो भी TVS के शोरूम पर हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं मंगलदीप TVS शोरूम है और यहाँ पर दोस्तों हो रहा है, यानी कि TVS के शोरूम पर ये हो रहा है। तो इसका मतलब है कि बाइक की जो वीडियो होने वाली है ये काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी यूनिक होने वाली है, क्योंकि अगर आपने देखा होगा एजेंसी वाले बिल्कुल ही मना कर देते हैं कि आप दोनों बाइकों का कंपैरिजन मत करिए, क्योंकि दोनों बाइक अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी मतलब जगह पर सही है। तो कुल मिला के मेरा भी यही कहना है कि अपनी अपनी जगहों पर ये बाइक दोनों बेस्ट है, एकदम बेस्टम बेस्ट है। अगर आप ये बाइक लेना चाहते हैं, जो रेडियान लेना चाहते हैं वो रेडियान ही खरीदेंगे, लेकिन जो अगर स्टार सिटी प्लस खरीदना चाहेंगे तो वो स्टार सिटी प्लस ही खरीदेंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैं दोनों बाइकों का कंपैरिजन वीडियो इसलिए लेकर आया हूँ कि अगर आप बाइक TVS के लेना चाहते हैं तो इन दोनों बाइकों में आपके लिए कौन से अच्छी रहेगी, या फिर आप दोनों में से कौन से खरीदें, इसलिए मैं इस पर्पज़ से वीडियो बना रहा हूँ। दोनों में से देखिए, अगर आप देखेंगे तो दोनों में अलग अलग फ़ीचर हैं, काफ़ी अच्छे अलग फ़ीचर्स हैं, और दोनों में बहुत ही ज़बरदस्त बदलाव भी आपको देखेगा, जो कि मैं आपको सामने से अगर ही दिखाऊंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो है फुल जो है इसमें देखिए, इसमें फुल LED हेडलैम्प आपको मिल रहा है। अभी मैं पास से दिखाता हूँ, सबसे पहले आप TVS के रेडियान देखें तो यहाँ पर देखिए क्रोम फिनिशिंग पर आपको यहाँ पर जो है मिल रहा है हेडलाइट के ऊपर का, और TVS के यहाँ पर क्रोम फिनिशिंग पर ब्रांडिंग आपको मिल रही है। इंडिकेटर अगर आप देख लीजिए तो काफ़ी ज़बरदस्त, यानी कि छोटा सा स्मॉल सा इंडिकेटर मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अभी इस बाइक में अगर आप देखेंगे तो इंडिकेटर थोड़ा सा भारी मिलेगा, लेकिन फुल LED हेडलैम्प आपको मिलेगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्रोम फिनिशिंग नहीं मिलेगा, बाकी लोगों तो सेम रहेगा। अब देखिए आप फ़र्क यहाँ पर देख सकते हैं, आप इस बाइक का फ़र्क आप देख लीजिए ठीक, और इस बाइक का फ़र्क ठीक है ना, ये फ़र्क होगा। बाकी हैंडल बार आपको सेम मिलेगा, हैंडल बार के जो फीचर्स हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फ़ीचर, और इसमें भी, और इसमें भी आप देखेंगे तो स्टार सिटी प्लस में दोनों बाइकों में सेम मिलेगा ठीक है ना, ये फ़र्क हो गया। अब अगर हम अलॉय व्हील की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑल ब्लैक इसमें मिलेगा, और सेम सस्पेंशन आपको मिलेगा 2/75/17 का ट्यूबलेस टायर, और इस बाइक में भी आपको सेम का सेम ही फीचर मिलेगा, कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाला है ठीक है ना। TVS के टायर आपको मिल जाएंगे इस बाइक में। अब ड्रम और डिस्क दोनों बाइकों में आपके पास ऑप्शनल है, आप दोनों में से कोई भी खरीद सकते हैं। अब उसके बाद फ्यूल टैंक की अगर हम डिज़ाइन की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैंक पैड मिलेगा, यानी रेडियान में टैंक पैड आपको मिलेगा, 10 लीटर आएगा, 10 लीटर का पेट्रोल इसमें भी आएगा, लेकिन उसमें आपको टैंक पैड नहीं मिलेगा। इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसका इग्निशन, इसमें आपको सेम का सेम कंसोल ही मिलेगा, यानी कि एनालॉग कंसोल मिलेगा, साइड स्टैंड का आपको मिलेगा, सारे फीचर्स आप देख सकते हैं, लाइट ऑन ऑफ करने का इसमें आपको फीचर मिल जाएगा, और यहाँ पर हैलोजन, टर्न सिग्नल, पासिंग, सारे फीचर्स इस तरह से आपको मिलेंगे। अब इस बाइक को मैं आपको दिखाता हूँ तो इस बाइक में दोस्तों आपको क्या मिलता है, देखिए इग्निशन ऑन किया हमने, डिजिटल और एनालॉग ये फीचर आपको मिलता है, लेकिन उसमें आपको सीधा एनालॉग मिलता है, और यहाँ पर क्रोम का कोई भी चीज़ फिनिशिंग नहीं मिली, ये बिल्कुल अलग ही क्लस्टर है। और इस बाइक में आप देखेंगे तो हॉर्स का लोगो, क्रोम फिनिशिंग कुछ इस तरह से आपको मिलेगा, इसमें एनालॉग सिर्फ रहेगा, डिजिटल आपको नहीं मिलेगा, लाइट ऑन ऑफ होगा इसमें, लेकिन इसमें आपको ऑन ऑफ करने का लाइट सिस्टम नहीं है, बाकी सेम फीचर है आप देख सकते हैं इसमें, आपको एनालॉग और डिजिटल, अगर आप डिजिटल चाहते हैं तो ये बाइक आपके लिए सबसे अच्छी रहेगी। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी सेम है, और फ्यूल टैंक भी आप देख सकते हैं। अब अगर हम सीट की बात करें तो इसमें आपको लेदर सीट मिल रही है, देख सकते हैं, हाँ, प्रीमियम लेदर सीट है, और इस बाइक में आप देख सकते हैं तो रेक्सिन का भी सीट साइज है, और डुअल टोन में आपको मिलेगा सीट उसका, और इसका देखेंगे तो लंबाई अगर आप देखेंगे सीट की तो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा फर्क आपको नहीं मिलेगा, और काफ़ी अच्छा। साइड के पैनल अगर आप देखेंगे तो रेडियान की यहाँ पर ब्रांडिंग आपको मिलेगी, और यहाँ पर स्टार सिटी प्लस की क्रोम फिनिशिंग पर उसमें भी, और उसमें भी। अब अगर इंजन देखेंगे तो इंजन दोनों बाइकों का बिल्कुल सेम इंजन है दोस्तों, ये भी 110 cc ETFI टेक्नोलॉजी, 4 गियर के साथ सेल्फ और की दोनों स्टार्ट मिलेगी, 70 का माइलेज इसका इसके इसमें भी मिलेगा, और इसमें भी आपको सेम का सेम फीचर है, और सेम इंजन है, सेम आपको माइलेज भी मिलेगा। अब उसमें देखिए बैंड पाइप पर स्टेनलेस स्टील का पूरा कवर दिया गया है, यानी साइलेंसर से लेकर बैंड पाइप तक, और इस बाइक में साइलेंसर से लेकर अगर वहाँ पर देखेंगे तो इसमें भी दिया गया है, लेकिन यहाँ पर ब्लैक दिया गया है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप पीछे का देखेंगे तो टेल लाइट आपको इसमें भी बल्ब वाले मिलेंगे, और इस बाइक में भी आपको बल्ब वाले ही टेल लाइट मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर आप कैरियर देखेंगे तो इस बाइक में स्प्लेंडर जैसा दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं पैड भी लगा है, लेकिन स्टार सिटी प्लस में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों, यानी कि जो है ग्रेविल सिंगल वाला एल्यूमिनियम वाला, तो इस तरह से कुछ फ़र्क है। और बाकी जो है देखिए नंबर प्लेट पर लाइट यहाँ पर अलग से दी गई है स्टार सिटी प्लस में, देखिए स्टार सिटी प्लस, और पीछे का नंबर प्लेट जो है यहाँ पर अलग से लगेगा, लेकिन उसमें भी आपको सेम का सेम ही मिलेगा, लेकिन इसमें लाइट अलग से दी गई है, उसमें ये फ़ीचर नहीं दिए गए हैं, यह फ़र्क है। बाकी पीछे के अगर हम टायर की बात करें तो इसमें आपको दोस्तों वही ट्यूबलेस टायर ही आपको मिलेगा, 3/0/0/17 का ड्रम ब्रेक, 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर मिलेगा, सस्पेंशन, और उसके बाद इसमें भी आपको सेम का सेम सस्पेंशन मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 बार एडजस्ट करने वाला हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर, ड्रम ब्रेक आपको मिलेगा, और फाइबर के चेन कवर आपको इस बाइक में मिल जाएगा, और इस बाइक में भी अगर आप देखेंगे तो फाइबर का ही चेन कवर मिलेगा।
और चार गियर आपको इस बाइक में भी मिलता है और इस बाइक में भी चार गियर मिलता है। लेकिन अगर आप दोस्तों इस बाइक में देखिए, अगर आप देखेंगे तो दोनों बाइकों का अगर फ़र्क आपको देखना है तो फ़र्क आपको काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखेगा ही, क्योंकि स्टार सिटी प्लस और रेडियन अपनी अपनी जगह पर जो है बाइक जो है बिल्कुल अलग है। क्योंकि देखिए इसके इंजन में भी अगर आप देखेंगे बनाओ तो आपको अलग मिलेगी। टीवीएस का जो रेडियन है इंजन, आप देख सकते हैं किस तरह से रेडियन का इंजन है। और बाकी फीचर तो सही है, सारी स्टैंड कट ऑफ इंजन का इसमें फीचर मिलेगा और इस बाइक में भी मिलेगा। अब इसका इंजन अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से इंजन मिलेगा, देख सकते हैं आप। तो इंजन की बनावट में फ़र्क है, बाकी पावर और जो है फीचर माइलेज सेम का सेम आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको मिलेगा दोस्तों। और रेडियन और स्टार सिटी प्लस दोनों बाइकें आपकी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो स्टेनलेस स्टील का सस्पेंशन इस तरीके से मिलेगा, इसे स्प्लेंडर में आता है। तो यहाँ पर ये कवर्ड आपको मिलेगा और काफ़ी अच्छा सस्पेंशन मिलेगा, और इसमें आप देखेंगे सस्पेंशन कुछ इस तरह से मिल जाएंगे। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे इस बाइक की प्राइस जो है वो 84,000 रुपये है, और इस बाइक की भी अगर प्राइस देखेंगे तो 85,000 के आसपास इसकी भी प्राइस मिल जाएगी दोस्तों। तो दोनों बाइकें अपनी अपनी जगह पर काफ़ी अच्छी जो है दोस्तों। और स्प्लेंडर से अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ये दोनों बाइकें काफ़ी अच्छी हैं अपनी अपनी जगह पर। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फुल LED हेडलैम्प आपको यहाँ पर मिल जाता है, और यहाँ पर बल्ब वाले मिल जाते हैं। तो दोनों बाइकों में आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे फ़र्क आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा दोस्तों। आपको दोनों बाइकों में कौन सी बाइक प्राइस है पसंद है आप हमें बताइएगा। प्राइस दोस्तों दोनों बाइकों का 1,000-2,000 का डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोस्तों। वीडियो अगर पसंद है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।